मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यवाहन योजना 2022 में संशोधन समेत अनेक निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के स्टार्टअप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। घरेलू आयोजनों में सहभागिता पर प्रति आयोजन पर किए गए व्यय का 75% अधिकतम 50,000 रूपए तक की प्रतिपूर्ति एवं देश से बाहर के आयोजनों में सहभागिता पर प्रति आयोजन व्यय का 75% अधिकतम 1.5 लाख रूपए की सहायता दी जाएगी। एक स्टार्टअप को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक बार एवं पूरे जीवन काल में अधिकतम 2 बार सहायता दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के विस्तार के लिए 164 करोड़ 49 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए धन्यवाद दिया एवं मध्य प्रदेश को 10,405 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात देने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का आभार जताया। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने आज राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल जी ने सभी सदस्यों का परिचय प्राप्त कर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल से शिष्टाचार भेंट की एवं प्रदेश की प्रगति व विकास के साथ ही जनकल्याणकारी कार्यों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ में शहीद हुए भिंड के वीर सपूत सीआरपीएफ जवान श्री पवन भदौरिया के प्रति शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में मैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश शोकाकुल परिवार के साथ है।